हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ कोडिंग जैन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। कोडिंग जैन ऑनलाइन टीचिंग जो मैं इसका जो मेन मकसद है गाइस मेरा इस प्लेटफॉर्म को डिस्कस करने का, वो ये है कि जिन लोगों ने व्हाइट हैट जैन प्लेटफॉर्म पर अप्लाई किया था, या फिर जिनका इंटरव्यू होल्ड पर चला गया, या फिर काफ़ी लंबा चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है आपका इंटरव्यू, या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पर, जो कि उन्होंने सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज कर दिया, तो ये प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पर कोडिंग पढ़ाना चाहते हैं, आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है और आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मेन थिंग गाइस, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका कोडिंग में ही कोडिंग बैकग्राउंड ही होनी चाहिए या फिर आपको MCA ही होना चाहिए। अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, आपको बेसिक कोडिंग भी आती है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे मतलब क्राइटेरियो में डिवाइड किया हुआ है, क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। आप ग्रीन होन में इन्होंने एज 6 से 8 साल के बच्चों को रखा हुआ है, एक्सप्लोरर में इन्होंने 9 से 11 साल के बच्चों को, क्रिएटर में इन्होंने एज 12 प्लस के बच्चों को रखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कोडिंग का लेवल भी डिसाइड किया हुआ है। सो गाइज, अगर आपको बेसिक कोडिंग भी है तो आप एटलीस्ट ग्रीन होन के बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पजल्स और कुछ गेम्स से रिलेटेड ही यहाँ पे पढ़ाना है। इसके अलावा अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप कोडिंग बैकग्राउंड से है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप एक्सप्लोरर लेवल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्रिएटर लेवल के बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। सो गाइस, कोई ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोडिंग में आपका आना चाहिए, या फिर यहाँ पे आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई टेस्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी सा इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है और इन्होंने लेवल पे डिवाइड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने को मतलब आप कोडिंग में इंटरेस्ट है और आप पढ़ाना चाहते हैं, आपका ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज। और मेन थिंग, यहाँ पे अभी सिलेक्शन चल रहा है, हायरिंग चल रही है, तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अब गाइज, अगर बात करें यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया गाइज, अगर आप इनकी साइट पे जाएंगे तो आपको कोई ऐसा अप्लाई नाउ या बी अ टीचर का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन आता है, मैंने भी खुद उनसे ही कस्टमर सपोर्ट से इनसे बात की थी, तो इन्होंने ही मेरे को एक लिंक दिया था। जैसे मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो मैं इस वाले इंटरफ्रेंस पर आ गई। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको इस ID पर अपना CV सेंड करना है, और आप यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस दिन आपको अपना इंटरव्यू, मतलब जिस दिन आपके पास टाइम है, अपना इंटरव्यू शेड्यूल उस दिन आप करा सकते हैं। ठीक है, आप जब CV सेंड कर देंगे, जिस जो भी आपने डेट या टाइम दिया हुआ है अपने इंटरव्यू का, उस दिन आपको एक टेलीफोनिक राउंड होता है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना CV सेंड किया, उसके बाद अगर आपका CV शॉर्टलिस्टेड हो जाता है, उनको सब कुछ अच्छा लगता है, तो फिर इसके बाद टेलीफोनिक राउंड होता है। टेलीफोनिक राउंड में बस आपके बारे में पूछते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप यहाँ पे क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, और आप मतलब यहाँ पे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी भी व्हाइट हैट JRP पे अगर अप्लाई किया, वहाँ पे 5 से 10 मिनट का टेलीफोन राउंड होता है, तो सेम यहाँ पे भी 5 से 10 मिनट का एक टेलीफोनिक राउंड होगा। तो उसके बाद अगर आपका टेलीफोनिक राउंड क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद गाइज होता है आपका टेक्निकल राउंड। सो टेक्निकल राउंड में गाइज के बाद क्या होता है, टेक्निकल राउंड में ये लोग आपकी नेट स्पीड चेक करते हैं, जो सभी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के लिए मैंडेटरी है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास वेबकैम होना चाहिए, और आपके पास स्पीकर मतलब या फिर माइक वगैरह होना चाहिए, जिससे आप स्टूडेंट से अच्छे से ऑडिएबल हो सके, आपकी आवाज स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो ये सब बेसिक चीजें आपके टेक्निकल राउंड में ये लोग चेक करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे होता है आपका एक डेमो राउंड। डेमो राउंड क्लियर होने के बाद आपका टेलीफोनिक, आपका टेक्निकल डेमो राउंड क्लियर हो जाता है, तो ये लोग आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि सभी मतलब ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको पैनल को यूज करना है, कैसे आपका मतलब आपको कितनी सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ये आपसे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट या फिर इनको लगता है कि यहाँ पे आपका वीक है, तो उस पर ये फोकस करते हैं, और आपको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, मतलब कोई भी क्लास लेने से पहले 3-4 दिन की। इसके बाद गाइज, जैसे आपका यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी क्राइटेरिया की। सो सैलरी क्राइटेरिया में गाइज, जैसे मैंने इनसे मतलब कस्टमर सपोर्ट से ही डिस्कस किया था, पूछा था कि यहाँ पे क्या सैलरी का क्राइटेरिया है और कैसे आप पढ़ा सकते हैं, कितना टाइम आपको देना है, तो यहाँ पे बेसिकली गाइज सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप पार्ट टाइम फुल टाइम भी पढ़ा सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि आपको मिनिमम इतने आवर्स देने मैंडेटरी हैं, आप अपनी मर्जी से पढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई दिन स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और आई थिंक यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, बट जितना मुझे मैंने मतलब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि आई थिंक यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बट डिपेंड करता है, अगर आप लेना चाहते हैं सैटरडे संडे क्लास तो आप ले सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे 500 जो है यहाँ पे 2 आवर्स के हैं सेशन के मिलते हैं। यहाँ पे जो एक सेशन जो होता है, मतलब एक सेशन यहाँ पे 1.5 आवर्स का होता है, तो मतलब इन्होंने जो मुझे बताया है कि आप अगर 2 घंटे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आपको 500 रुपये
दो घंटे के यहाँ पे मिलते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप यहाँ पे कितनी इनकम गेन करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वेरिएबल है, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे इनकम बढ़ती चली जाएगी। और कुछ यहाँ पे गाइस इंसेंटिव प्लान भी है, अगर आप किसी भी ट्रायल क्लास को एनरोल क्लास में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे इंसेंटिव भी ये लोग अच्छा खासा देते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पे मतलब बेसिक लेवल की भी कोडिंग पढ़ा रहे हैं तो आप 25-30 हज़ार तक कमा सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा है। और ये मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको कोडिंग बैकग्राउंड ही या फिर एमएससी बीटेक ही होना चाहिए। अगर आप मतलब कंप्यूटर साइंस से हैं या फिर आप आर्ट से हैं और किसी भी बैकग्राउंड से हैं, बीकॉम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक कोडिंग की नॉलेज है और आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए गाइज मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस वहां पे आप सीवी अपना सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहां पे इंटर्नशिप के लिए भी उन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी इंटर्नशिप के लिए मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म आपको या फिर अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी उसमें देनी होगी, उसको सेंड करना होगा। इंटर्नशिप के लिए जो वैकेंसी गाइज इन्होंने निकाली हुई है, निकाली हुई है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब गाइज इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के लिए बाद भी ये लोग आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज अगर आपका मतलब ये मुझे इसी प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे डिस्कस करना था, क्योंकि काफ़ी लोग व्हाइट हैट जेआर प्लेटफॉर्म के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, मतलब उनका सिलेक्शन या फिर नहीं हुआ है, और फिर जैसे काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है उनका, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट है, यहाँ पे 3 ही राउंड है जैसे कि मैंने आपको बताया। आपको सीवी सेंड करना है, उसके बाद आपका एक टेलीफोनिक राउंड होता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है, फिर आपका एक डेमो होता है, और आप यहाँ पे ऑनलाइन मतलब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया है, आप वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी वो भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। और इसके बस गाइज इसके आज इसी प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना था। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग या किसी और प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आप मुझसे मतलब जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।